कुदरत का करिश्मा और दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह, सबसे खतरनाक जीवों का बसेरा, जहां पर जीने के लिए हर दिन मौत से खेलना पड़ता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह और सबसे ज्यादा डरावनी भी। एक ऐसी जगह जहां जाकर आपको ऐसा लगेगा कि आप करोड़ों साल पीछे आ चुके हैं। एक ऐसी जगह जहां पर आज भी डायनासोर्स जैसे कई खतरनाक जानवर जिंदा हो सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जितना बड़ा और घना है, उतना ही रहस्यमय भी है। इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल के उन्हीं रहस्यों के बारे में बताएंगे जिससे आपके होश उड़ जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका का ही एक हिस्सा है। यह विशाल जंगल जमीन के 67 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को घेरे हुए है, और इस खतरनाक जंगल की सीमा ब्राजील, कोलंबिया और पेरू से होते हुए साउथ अमेरिकन कंट्रीज पे आकर खत्म होती है। यह जंगल इतना बड़ा और विशाल है कि अगर अमेज़न जंगल एक देश होता तो एरिया के हिसाब से यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश होता। आप इसके साइज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस जंगल में इंडिया जैसे 2 और पाकिस्तान जैसे 7 देश समा सकते हैं। यह जंगल इतना ज्यादा घना है कि यहाँ के कई इलाकों में आज तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची है। सूरज की रोशनी तो दूर की बात, जब यहाँ बारिश भी होती है तो उस बारिश के पानी को भी जमीन पर गिरने में 10 मिनट से ज्यादा समय लगता है। और पूरे साल में एक भी ऐसा हफ्ता नहीं बीतता जब अमेज़न जंगल में बारिश ना होती हो। इसी वजह से इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। हमें पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और अमेज़न रेन फॉरेस्ट हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर पेड़ों से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और इस समय जो हम सांस ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन का 20% हिस्सा हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही मिल रहा है। अमेज़न के इन जंगलों में 1100 के करीब नदियां भी मौजूद हैं। इसके साथ ही यहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है, जो 6400 किलोमीटर लंबी है। इस नदी को अमेज़न रिवर कहा जाता है। यह नदी खूबसूरत होने के साथ साथ दुनिया की सबसे खतरनाक रिवर भी है। इस रिवर में ऐसे खतरनाक जानवर हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न जंगल में पाए जाते हैं, जैसे कि ये पिंक डॉल्फिन। ये डॉल्फिन 10 फीट तक लंबी और 200 किलोग्राम तक वजनी होती है। ये डॉल्फिन नॉर्मल डॉल्फिन्स के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज होती है। आपने नॉर्मल डॉल्फिन्स को इंसानों के साथ खेलते हुए देखा होगा, लेकिन ये पिंक डॉल्फिन इंसानों को भी अपना शिकार बना लेती है। इसी रिवर में एक ऐसी तरह की मछली भी पाई जाती है जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है, क्योंकि ये मछली हमला करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देती है, और इस इलेक्ट्रिक शॉक को 800 वोल्ट तक मेजर किया गया है। ये इलेक्ट्रिक ईल अपने से बड़े मगरमच्छों को भी एक ही झटके में अपना शिकार बना सकती है। इसी अमेज़न जंगल में एक ऐसी खौफनाक नदी भी बहती है जिसमें अगर कोई इंसान या जानवर गिर जाए तो वो जिंदा ही उबल जाएगा। इस नदी को बॉइलिंग रिवर कहा जाता है। ये नदी 7 किलोमीटर लंबी, 100 फीट चौड़ी और 20 फीट तक गहरी है। इस नदी के पानी का एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी इसमें कोई भी खाने की चीज सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही पक जाएगी। लेकिन ये नदी हमेशा उबलती क्यों रहती है, इसकी असल वजह आज तक नहीं पता चली। अमेज़न जंगल दिखने में जितना सुंदर है, हकीकत में उससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। अमेज़न जंगल में जानवरों, परिंदों और पेड़ पौधों की ऐसी किस्में मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। अमेज़न के इस जंगल में 44,000 तरह के प्लांट्स, 13,000 तरह के बर्ड्स, 22,000 तरह की फिशेज, 380 तरह के रेप्टाइल्स और 25 लाख से भी ज्यादा किस्म के कीड़े मकौड़े मौजूद हैं। और रिसर्चर्स के मुताबिक अभी भी 3 मिलियन से ज्यादा ऐसी स्पीसीज हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं। अमेज़न में कुछ ऐसे जानवर भी रहते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक हैं, और इनमें सबसे ऊपर नाम आता है ग्रीन एनाकोंडास का। यह ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक सांप है जो सिर्फ अमेज़न जंगल में पाया जाता है। ये एनाकोंडा 30 फीट लंबा और 250 किलो तक भारी होता है। जब ये एनाकोंडा शिकार करता है तो अपने से बड़े जानवरों को भी एक ही झटके में निगल जाता है, जैसे हिरण, वाइल्ड पिग्स और टाइगर्स तक को भी अपना शिकार बना लेता है। और अमेज़न जंगल में इस तरह ना जाने कितने ग्रीन एनाकोंडास मौजूद हैं। साइंटिस्ट्स को किसी जानवर पर रिसर्च करने के लिए उसको छीड़ना फाड़ना पड़ता है, लेकिन इसी जंगल में एक ऐसा मेंढक पाया जाता है जिसके ऑर्गन्स को देखने के लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस मेंढक को ग्लास फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। इस मेंढक की स्किन पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए इसके सभी ऑर्गन्स साफ साफ दिखाई देते हैं, जैसे कि इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लिवर और आर्टरीज तक साफ दिखाई देती है। जब एक नॉर्मल चींटी अपने से ज्यादा वजन उठाती है तो हम चौंक जाते हैं, लेकिन अमेज़न में एक ऐसी चींटी पाई जाती है जो बेहद खतरनाक है, और इस चींटी का नाम है बुलेट एंट। इसका साइज 4 सेंटीमीटर तक होता है।
अगर ये चींटी गलती से किसी इंसान को काट ले तो वो आदमी उस दर्द से मर भी सकता है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये दर्द गोली लगने के बराबर होता है, इसीलिए इसे बुलेट एंट कहा जाता है। अमेज़न के इन जंगलों में एक ऐसी छिपकली भी पाई जाती है जो पानी के ऊपर चल सकती है। इस छिपकली को जीसस लिजर्ड कहा जाता है और यह 3 फीट तक लंबी होती है। यह पानी में मौजूद अपने शिकार को पकड़ने या खुद को बचाने के लिए पानी के ऊपर चलती है। अमेज़न के जंगल अपने अंदर ऐसे ऐसे रहस्य छुपाए हुए हैं जो आज तक कोई नहीं जानता। कई लोगों का तो मानना है कि इस जंगल में सोने के शहर मौजूद हैं, जो इसी अमेज़न में कहीं गुम हैं, जिन्हें इस जंगल के खतरनाक माहौल की वजह से आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। दिसंबर 2020 में अमेरिका के एक सैटेलाइट ने, जो उस समय अमेज़न जंगल के ऊपर ही मौजूद था, एक फोटो कैप्चर की थी और उस फोटो में सोने से भरी नदियों को देखा गया था। लेकिन कुछ समय बाद इन फोटोज को अनऑफिशियल करार दे दिया गया। अब वाकई में यहाँ सोने के शहर मौजूद है या ये सिर्फ एक कहानी है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। अमेज़न के इन जंगलों में जमीन पर कुछ ऐसे निशान भी बने हुए हैं जिन्हें जब सैटेलाइट से देखा जाता है तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। इन्हें जियोग्लिफ्स कहा जाता है। ये आकार में इतने बड़े हैं कि जब इनके अंदर कोई खड़ा होता है तो उसको एहसास भी नहीं होता कि वह किसी खास निशान के ऊपर खड़ा है। अमेज़न में 400 से ज्यादा ऐसे जियोग्लिफ्स मौजूद है। इनमें से कई जियोग्लिफ्स तो 2 किलोमीटर तक लंबे हैं। इन्हें कब और किसने बनाया, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। जानवरों, परिंदों और पेड़ पौधों के अलावा इस जंगल में 400 से ज्यादा कबीले भी मौजूद हैं, जिसमें टोटल 30 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। ये लोग पिछले कई 100 सालों से यहीं बसे हुए हैं और इनमें से कुछ कबीले तो ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहरी दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी है। और अगर बाहर से कोई इंसान यहाँ आ जाए तो ये लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे एलियंस आ गए हो। वैसे तो हम इंसानों ने आज तक कुदरत की बनाई सभी चीजों को बेहद नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इस बारी इंसान दुनिया के सबसे अनोखे और बेशकीमती जंगल को मिटाने में लगा हुआ है। यहाँ के जंगलों को तेजी से काटा जा रहा है, ये जानते हुए भी कि ये जंगल पूरी दुनिया के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक अमेज़न अपना 20% से ज्यादा हिस्सा खो चुका है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे इस जंगल को साफ करके यहाँ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी जाएंगी, जिस कारण ये सभी बेजुबान जानवर बेघर हो जाएंगे। इसी के साथ आज के वीडियो को करते हैं एंड। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।